जय श्री राम, जय राजा भरत, जय हिंद। पीछे मकर राशि की कुंडली लगी है। मकर राशि के लिए ये वीडियो बना है। 2022 का टोटल प्रेडिक्शन इसमें मैं बताने जा रहा हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं, यह अभी प्रेजेंट सिचुएशन है जानेवारी का, जब सूर्य शनि बुध आपके फर्स्ट हाउस में है, गुरु आपके सेकंड हाउस में है, मास वेनस कंजंक्शन आपके 12वें हाउस में है, केतु आपके 11वें हाउस में है और राहु आपके 5वें हाउस में है। और अप्रैल में चार बड़े प्लैनेट का ट्रांजिशन होने जा रहा है, जैसे कि राहु अभी जो ऋषभ में है आपके 5वें हाउस में, वो जाएगी आपके 4वें हाउस में, मतलब मदर के हाउस में। और जो केतु आपके वृश्चिक में है 11वें हाउस में, वो जाएगी आपके पिता के हाउस में, मतलब तुला राशि में। और जो गुरु है आपके सेकेंड हाउस में, वो 3rd हाउस में जाएगी अप्रैल के बाद, मतलब आपका करेज बढ़ेगा अप्रैल के बाद और बिजनेस में करेज लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी। और जो शनि है वो अप्रैल से जून तक, अभी जो मकर में है वो कुंभ में जाएंगे एक साइन आगे और वापस जून में मकर में लौट आएंगे। तो जो मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आप लोगों के लिए, और इसमें 12 राशियों और 12 महीनों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए। और आपका एसेंडेंट आप देख सकते हैं, 1st हाउस में अगर आपके 10 लिखा हुआ है तो ये आपका एसेंडेंट है और उसके अनुसार आप हॉरोस्कोप देख सकते हैं, ये मकर का हॉरोस्कोप देख सकते हैं। तो अप्रैल में क्या होने वाला है, चार बड़े प्लैनेट मूव ऑन होने वाले हैं, शनि गुरु राहु केतु, जो गुरु आपके सेकेंड हाउस में 3rd में जाएगा और एक्सेट्रा। तो अप्रैल में बहुत ही टर्न ओवर होने वाला है, मतलब मई में जो आपका हालत रहेगा मकर वालों की, जो अभी आपका जॉब बिजनेस हेल्थ में पैटर्न रहेगा, वो मई का पैटर्न आपका दिसंबर तक कंटिन्यू रहेगा। सो 2022 जो है वो बहुत ही तहलका मचाने वाला है, क्योंकि मई के बाद बहुत लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। और मेरे वीडियो शेयर कीजिए। तो मैं अभी अप्रैल तक एक पैटर्न रहेगा आपके लाइफ में और अप्रैल के बाद अलग पैटर्न रहेगा, तो मैं दो पार्ट में आपका 2022 का प्रेडिक्शन बताना चाहूँगा। तो अंटिल 2022 अप्रैल, आपका बहुत सारा पैसा खर्च होगा, आपका बहुत जगहों पे खर्चा होगा पैसे के लिए। और शिक्षण क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अप्रैल तक का समय खराब रहेगा, और मकर राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अप्रैल तक टाइम खराब रहेगा, बाद में आप कुछ तो अच्छे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप विदेश से बिजनेस रखते हैं या विदेश में विदेश गमन के लिए वीज़ा लगाना चाहते हो, तो 2022 अप्रैल के पहले लगा लो, बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अप्रैल के बाद जो ट्रांजिशन हो गए चार प्लैनेट के, जैसे राहु वृषभ से मेष में, शनि मकर से कुंभ में, गुरु कुंभ से स्वराशि मीन में जाएंगे, तो 2000 अप्रैल के बाद मकर राशि के लिए पैसे के मामले में बहुत ही लाभदायक और लाभकारक समय आ रहा है। और 2022 में आप चाहे जॉब नौकरी बिजनेस कर रहे हो, आप धन की प्राप्ति हो, आपको धन की बड़े पैमाने पर प्राप्ति होगी और आपको बड़े पैमाने में जन्म कुंडली और गोचर के संबंध अनुसार विविध जगहों से पैसा आएगा, धन आएगा, रुके हुए पैसे भी आने चालू हो जाएंगे। और आप अप्रैल के बाद जोर से मेहनत करना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो शुभ ग्रह आपको कुछ दे सकते हैं। राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, तो फैमिली में पारिवारिक संबंध समस्या बढ़ जाएगी, घर में विवाद वगैरह हो सकता है, अपना धीरज बना के रखें, अपने क्रोध पर काबू करें, ये परेशानियाँ एक दिन निकल जाएगी, मगर आपका क्रोध सबको याद रहेगा, तो आपको आपका मेंटल हेल्थ अगले ईयर से संभालना पड़ेगा, क्योंकि राहु अगले 18 महीने के लिए अप्रैल के बाद आपके 4th हाउस मतलब फैमिली में इफेक्ट करेंगे। तो ये इस तरह 2022 आपके लिए परीक्षा की घड़ी लेकर आया गया। अगर आप उसमें पॉजिटिवली रिएक्ट करते हो तो महाबलस्वी नवग्रह आप पे ज़रूर प्रसन्न होंगे। जय श्री राम, जय राजा भरत, जय हिंद।